भारत और चीनी सेना एक बार फिर लद्दाख में आमने सामने आ गई है। दरअसल बुधवार को पैगोंग झील के उत्तरी किनारे पर दोनों सेनाओं के जवानों के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि इसके बाद दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। इस वार्ता के बाद हालात सामान्य हो गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बुधवार को भारतीय सेना के जवान पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान उनका सामना चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों से हुआ। चीनी सेना भारतीय जवानों की मौजूदगी का विरोध कर रहे थे। इस दौरान दोनों सेनाओं के जवानों के बीच नोकझोंक हुई। इसके बाद सीमा पर जवानों की संख्या बढ़ा दी गयी। बता दें कि चीन बॉर्डर पर भारतीय सेना अक्टूबर में बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। भारतीय सेना की माउंटेन स्ट्राइक कोर के 5000 से ज्यादा जवान अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश में वायुसेना के साथ युद्ध अभ्यास करेंगे। चीन बॉर्डर पर ये पहला युद्ध अभ्यास होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।